हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे इस ओ जे पी आर डी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल को दबा लीजिए एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, ताकि आप इसी तरह से हमारी इस वीडियो को देखते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है बिटकॉइन की। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस समय ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं, ताकि उससे आप बिटकॉइन को बाय करें और सेल करें, और उसके बाद आप अपने इंडियन रुपीज़ में उसको चेंज करके आप कैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र करें। ये सारा जो प्रोसेस ऑफ मीडियम होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो से बताऊंगा। बट इस वीडियो में आपको सारा चीज़ कवर करूंगा जो कि आपको ज़रूरी है जानना। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वे समझेंगे एक पैसे को अर्न करने का। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, आपका सिर्फ कुछ टाइम लूँगा, 5 से 6 मिनट, और आप इसको अंत तक देखिए इस वीडियो को, और नीचे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि एक्चुअली बिटकॉइन जो होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो होती है ये गवर्नमेंट के अंडर पे नहीं रहती है, ये फ्लक्चुएट होती रहती है यहाँ से वहाँ। इसका कोई भी अथोराइजेशन नहीं रहता है गवर्नमेंट के पास। तो इस समय बेसिकली जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हो गए या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, वो अब अपना ट्रांजेक्शन सिक्योरली करते हैं बिटकॉइन वॉलेट के थ्रू। तो जो वॉलेट होता है बिटकॉइन वॉलेट, मतलब आप जिस पे अपने बिटकॉइन को रखते हैं, जिस तरह से आपका एक बटुआ होता है, आपका पर्स होता है, आपको पैसे रखने के लिए आपका एक वॉलेट होता है जेब में, तो आप उस पर रखते हैं और उसको पॉकेट में रख लेते हैं, वैसे ही एक तरह से सॉफ्टवेयर से बना हुआ एक वॉलेट होता है। जैसे आपका भीम यूपीआई है, जिसमें से आप पेमेंट अपना पेटीएम चलाते हैं, फ़ोन पे, जैसे आपका फ़ोन पे है, उसमें आपके पैसे रहते हैं, आप उसको छू नहीं सकते, बट आप जानते हैं कि आप उसमें पैसे हैं आपके, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में आपको दिखता है। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट होता है जिसपे आपका बिटकॉइन को रखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बिटकॉइन की बात करें, ऐसे काफ़ी सारे कॉइन्स होते हैं जो कि जैसे कि बिटकॉइन हो गया आपका यहाँ पे, और डिक्सा कॉइन हो गया, ऐसी बहुत सारे मल्टीपल कॉइन्स हैं। बट सबसे हाई रेटिंग है जिसकी, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म यूज़ किए जाते हैं। तो इसी चीज़ से रिलेटेड मैं आपको दिखाऊँगा कि आज अगर देखा जाए, अभी की वक्त देखा जाए, तो 1 BTC मतलब 1 बिटकॉइन का रेट कितना है, 5,23,595 इंडियन रुपीज़ में। तो क्या होता है एक्चुअली, जिस तरह से आप सोना समझिए, जिस तरह से गोल्ड होता है, गोल्ड को हम क्या करते हैं, फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें तो आज मान लीजिए गोल्ड 40,000 रुपये का 10 ग्राम है, और आपने उसको ख़रीद के रख लिया, और एक दिन बाद वो, या फिर 5 दिन बाद या 1 महीने बाद उसका पैसा बढ़ गया, उसका अमाउंट बढ़ गया, अब वो 45,000 का मिल रहा है, अब आपने उसको सेल किया तो आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने लिया 40 का और बेचा 45 का। अगर आपने 40 का लिया और वो घट गया, तो आप क्या करेंगे, आप बेचेंगे नहीं, उसको रखेंगे, आप ऑल टाइम लेंगे कि कब वो उसका दोबारा मार्केट ऊपर जाता है। तो सेम एज इट इज़ होता है बिटकॉइन। तो इसमें क्या होता है कि उसका अमाउंट कम रहता है गोल्ड का, और यहाँ पे बिटकॉइन का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है कंपेयर विथ गोल्ड। गोल्ड फ्लक्चुएट होने में टाइम लगता है, बट जो BTC या बिटकॉइन है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, कभी ज़्यादा गिरता है, कभी इकट्ठा बढ़ता है, कभी इक्वली रहता है, आसपास टच करता रहता है। तो ऐसे इंडिया में कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम इस चीज़ को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जो कि आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। बट आने वाली वीडियोस से जब मैं एक एक करके उसको प्रोसीड करूँगा, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। बट ये जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है मेरा, इसमें आपको मैं नाम बताऊँगा उन सारों के, जिसमें से आप उसको जान पाएंगे कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वर्जिक एक वेबसाइट है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सेकंड है पैक्सफुल, थर्ड है रेमिटिनो, फोर्थ है ग्यूटस, फिफ्थ है BitBNS। BitBNS का काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, और वर्जिक्स का काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, क्योंकि पहले से स्टेबल है। कॉइन DCX ये भी काफ़ी बेहतर है, और कॉइन स्विच, जेप्पे की बात करें तो जेप्पे एक तरह से 2017 में इसको बंद कर दिया गया था, बट रिसेंटली अब ये चालू हो गया है, क्योंकि बीच में काफ़ी सारा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। एक्चुअली बिटकॉइन को बैन कर दिया गया था, बट जब से ये P2P सिस्टम आया है, मतलब एक तरह से फ़ोन टू फ़ोन ट्रांसफ़र करने का सिस्टम, तब से ये काम करना फिर से चालू कर रहा है, तो अभी चालू कर दिया है। तो जेप्पे है, बाय यू कॉइन्स है, लोकल बिटकॉइन है,
कोलोडेक्स है, यूनिकॉइन है और कोइनिक्स बंद कर दिया गया है, कोइनिस ओके भी बंद कर दिया गया है, कोइनो ओम्स भी बंद कर दिया गया है और कोइनो डेल्टा भी बंद कर दिया गया है। अब मैं ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ। वर्जिक्स मैंने आपको बता चुका है, कॉइन मम्मा भी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लोकल बिटकॉइन भी अच्छा है, करकिन ये अभी रिसेंटली ज़्यादा दिनों का नहीं है, यूनोकॉइन ठीक है, एयर टीम भी ठीक है, बिटकॉइन एटीएम भी नया है, मिसीलियस लोकल ट्रेडर भी नया है, चैलेंजली भी नया है और यहाँ पे इतने हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ और। लोकल बिटकॉइन हो चुका है, अपनों ने बात कर ली है, वर्जिक्स की बात कर ली है, इंस्टा शिफ्ट ये एक नया है, इंस्टा शिफ्ट ये प्लेटफॉर्म, और बिट बी एन एस अपन लोग ने बात कर ली है, ट्रैंक्स ये नया है, ट्रैंक्स अभी मैं इसके बारे में जब मैं इसमें रिसर्च करूँगा इसके बारे में देखूँगा तब मैं इसके स्पेसिफिक्स आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा ताकि आप इस चीज़ को समझ पाए। यूनिकॉर्न ठीक है, जिप्पे हो चुका है, बाय बिटकॉइन ये भी शायद नया है, कॉइन डी एक्सी पुराना है, कैशा ठीक है अभी ये नया है, कैशा पॉकेट बिट भी नया है, बाकी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं कुछ और की तरफ। यहाँ पे मैं अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर मैं कोरा की हेल्प लूँ तो कोरा वाई बेबी बोलते हैं कि काफ़ी लोग जिप्पे कॉइन सीरीज यूनिकॉर्न ये जो कुछ हैं रिलीबल हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे अपन लोग को देखने मिलेगा कि यहाँ पे बेसिकली कोइनिक्स बंद हो चुका है, एलमुआ है, जिप्पे है, यूनिकॉर्न है, कॉइन सिक्वेयर है। उसके बाद और लोगों भी सजेस्ट किए हैं जिप्पे, कॉइन नोमो, स्रेगी, एक्सट डॉट इन बाय यू कॉइन्स, जिप्पे, यूनोकॉइन, कॉइन सिक्योर, बिटकॉइन इंडिया डॉट ऑर्ग भी है और बिट सोसो भी है, जोक्सो भी है और यहाँ पे बिट बे भी है, कोइनिक्स भी है, कोइनिक्स बंद हो चुका है, कोइनिक्स सिक्योर, यूनिकॉर्न, जिप्पे, लोकल बिटकॉइन भी है और वही हैं जो हमने अभी डिस्कस किए सारे। सो जो भी हमने डिस्कस किए ये सारे नाम हमने आपको बताए, ये सारे जो कंटेंट हैं, जो प्लेटफॉर्म वेबसाइट्स हैं, ये काफ़ी सारे यूज़ किए जाते हैं अब इंडिया में ट्रांजैक्शन करने के लिए, बेसिकली बाय और सेल करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज़ को। फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर बात करें तो बिटकॉइन, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको धीरे धीरे प्रोसीड करूँगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अगर समझ में आया थोड़ा सा भी, अगर नहीं भी आया तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ। और आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाले वीडियोस में आपको मैं कंटिन्यूसली एक एक करके इसका जो प्लेटफॉर्म है वो मैं आपको बताते जाऊं कि आपको उसमें वर्क कैसे करना है पहला, दूसरा आपको क्या है कि उसमें कैसे ट्रांजैक्शन करना है, तीसरा आपको उसमें किस तरह से अर्निंग करनी है, चौथा आप किस तरह से आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, पाँचवा और किस तरह से आपको उसमें पूरा परफॉर्म करना है और किस तरह से उसको मेंटेन करना है और किस तरह से आपको उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए, ये हो गया अपना छठवा। ये सारी चीज़ मैं आपको आने वाली वीडियो से एक एक करके सारे प्लेटफॉर्म को कवर करूँगा ताकि आपको काफ़ी सारे कंटेंट समझ में जाएँ। तब तक दीजिए मेरे को इजाज़त और कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरह से मैं आपके लिए बन लाता रहूँगा ढेर सारी वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।